पर लाठियां बरसाई गई थी उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और न ही एडीएम पर कोई कार्रवाई की गई। मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या हुआ वादा तेरा वादा। बड़े ताव में शपथ लिए थे डिप्टी सीएम का और कहे दो दिन के अंदर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। आज 5 दिन हो गया, जवाब दे शिक्षक अभ्यर्थियों को, जिसने ठग करके सत्ता में 75-76 सीट लाने का काम किया कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो पहली कलम में पहली कैबिनेट से जंगल राज आने का आहट उन्होंने दे दिया। अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी, अपने लिए जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा उन्होंने ले लिया। तेजस्वी यादव जवाब दे कि हमारी सरकार में उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी और जेड प्लस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, आज उनकी अपनी सरकार में क्यों इसकी जरूरत पड़ी। वो खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज 3 रिटर्न हो चुका जी। इसमें से जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि ठंडा कर देंगे, क्या लगता है ये तो समझिए आप ना, इसकी समालोचना करिए। लोकतंत्र में भारत का संविधान सभी को समभाव के साथ विधायक बनने का, सांसद बनने का, मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है। तभी आज एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये जो राजशाही प्रकार के लोग हैं तेजस्वी यादव टाइप के, कि लालू प्रसाद यादव के बेटे ही चाहे अकल हो नहीं हो उप मुख्यमंत्री होंगे, ललित यादव जैसा पढ़ा हुआ आदमी उस 25 साल इंतजार करना पड़ा उसको मंत्री बनने के लिए। तो ये जो राजशाही चला रहे हैं, राजतंत्र चला रहे हैं, ऐसे लोग भ्रम में हैं। बिहार के अंदर भारत का जो संविधान है वो सभी यादव के बेटे को, गाय दूहने वाले को, भैंस दूहने वाले को, बकरी चढ़ाने वाले को, सबको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार बिहार का भारत का संविधान देता है। कहीं लड़ाई ये तो नहीं कि ओरिजिनल कौन यादव है? अभी तो आप जानिए रहे ओरिजिनल यादव कौन है। कौन है ओरिजिनल यादव? जो है नित्यानंद राय है। ओरिजिनल यादव राम सूरत राय है, हमारे पास ओरिजिनल यादव है, उधर तो गरेरियों की जमात है। ये थे जीवेश मिश्रा भाजपा के विधायक, जो कह रहे हैं कि ओरिजिनल जो यादव है वो नित्यानंद राय है। कैमरामैन अशोक के साथ अमित भलारी, ईटी भारत, पटना।